वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। मैं एमडी सर एडवांस मैथ का अगला वीडियो लेके आया हूँ। कल मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट वन में कुछ भाग डिस्कस किया था। अब पार्ट टू में आगे का डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखते हैं, पार्ट टू को देखते हैं आगे। चलिए, कल मैंने लास्ट में आपको एक क्वेश्चन कराया था कि y बराबर 3 के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन पूछा था। y इक्वल टू 3 के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब, वो आखिरी में क्वेश्चन किया था। अब उसके लिए उसके बाद मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, प्रतिबिंब चाहिए, तो कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। मूल बिंदु मैं आपको बता चुका पहले वीडियो में क्या था इसका, 0 0 होता है, मतलब इसमें एक्स ऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई ऑर्डिनेट भी 0 होता है। एक्स ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, एक्सिस का बोलते हैं। और वाई ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट या कोटि बोलते हैं। मैं कल आपको बता चुका था। अब मुझे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जैसे मैंने कोई पॉइंट बोल दिया -2, -3, इसका मुझे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन चाहिए, मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब चाहिए। तो पहले तो इसको प्लॉट कीजिए, मैं डायरेक्ट निकालना भी बताऊंगा, आप देखते ही आंसर लगा दोगे। लेकिन यहाँ पर समझा देता हूँ, पहले एक्स की तरफ कितना चलना है। देखिए, एक्स की तरफ चलना है हमें, एक्स की तरफ चलना है कितना? -2। तो ओरिजिन से चलना शुरू करते हैं, एक्स वाली एक्सिस जो होती है, तो -2 चला, कहाँ तक पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए। अब बात करते हैं बाई की तरफ चलना है -3, तो बाई की तरफ ओरिजिन से -3 चलिए, कहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कौन सा वाला पॉइंट? -2, -3, पी पॉइंट आ गया। अब इसका रिफ्लेक्शन चाहिए था, इसका प्रतिबिंब चाहिए हमें मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में। अगर एक्स अक्ष के रिस्पेक्ट में चाहिए होता तो ऊपर बनता, वाई अक्ष के रिस्पेक्ट में चाहिए तो इधर बनता। वही दर्पण का काम करता है जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए। अगर हमें मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में बोल दिया तो दर्पण का काम कौन करेगा? अब ये मूल बिंदु करेगा, ओरिजिन करेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में सीधे सीधे आपको कुछ नहीं देखना, बस जो पॉइंट होते हैं उनका चिन्ह बदलना है। तो एक्स का क्या हो जाएगा? +2, मतलब माइनस, एक्स की तरफ -2 चल रहा था, इधर +2 हो जाएगा। वाई की तरफ -3 चल रहा था, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ये +3 हो जाएगा। तो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा? प्रतिबिंब बिंदु क्या आ जाएगा? ये 2, 3। एक्स की तरफ 2 चलना है, तो आपको इसको बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट देखते ही लगाएंगे कि इसका 2 का क्या हो जाए, -2 का क्या हो जाएगा? +2। और -3 का क्या हो जाएगा? +3। तो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा +2, +3। तो ये चीज़ रह गई थी कल, मैंने आपको बता दिया प्रतिबिंब क्या होता है मूल बिंदु के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखना स्क्रीनशॉट जो लेना है देख लीजिए। अब अगला देखते हैं कंसेप्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला को, दूरी सूत्र होता है उसको समझते हैं। सबको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक पॉइंट दिया है पी एक्स वन वाई वन, दूसरा पॉइंट दिया है क्यू एक्स टू वाई टू। इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, जैसे मैंने ये पॉइंट बोल दिया पी, ये पॉइंट बोल दिया यहाँ पर, ये पॉइंट बोल दिया मैंने क्यू। इन दोनों के बीच की जो पी वाला पॉइंट ये है एक्स वन वाई वन, क्यू की जगह एक्स टू वाई टू, कुछ भी ऑर्डिनेट दे सकते हैं, 2, 3, 4, 5, कुछ भी दे सकता है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का कंसेप्ट होता है x2 - x1² + y2 - y1² इस तरीके से ये कंसेप्ट होता है। इस बात का ध्यान रखना है, x1 - x2² भी कर सकते हैं इसको, लेकिन बात ये ध्यान रखनी है अगर इधर x1 - x2 करेंगे तो यहाँ भी y1 - y2 ही होगा। इधर x2 - x1 किया है तो y2 - y1, दोनों तरफ एक जैसा काम करना है। लेकिन ये फॉर्मूला आता कैसे है उसको समझाता हूँ मैं। ये तो याद करने वाली बात हो गई, लेकिन ये कहीं से आया तो होगा, होता क्या है, कैसे निकला? ऐसे तो नहीं है कहीं से बन के डायरेक्ट आया हो फॉर्मूला। अब इसको कहीं से बनाया गया है उसको समझते हैं। देखिए, मैंने एक एक्स एक्स ले लीजिए, एक्स एक्सेस, और ये है बाई एच। इस आपको मैं कल बताया ही था पहली वीडियो में, इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट था उसमें बताया था। तो एक्स अक्ष पे जो सारे बिंदु होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, प्लस में इधर, इधर माइनस में, इधर प्लस में बाई, इधर माइनस में बाई रहता है। तो मैंने बोल दिया कोई सा पॉइंट है यहाँ एक्स वन, टू, थ्री या जो भी पॉइंट होगा, मैंने एक्स वन बोल दिया उसको,
और एक दूसरा पॉइंट बोल दिया एक्स टू, ये एक्स वन है और यहाँ पर बाई वन बोल दिया, तो ये पॉइंट बन गया यहाँ पर एक्स वन बाई वन वाला आ गया, जो भी पॉइंट होगा, इसको टू बोल दिया, इसको टू, तो टू कॉमा टू हो जाएगा, इसको थ्री बोल रहे हैं, इसको टू, तो थ्री कॉमा टू, जैसा भी होगा, जो भी अपने सामने होगा। अब देखिए, इसको मैंने एक्स टू बोल दिया, दूसरा पॉइंट एक्स टू है और ये बाई टू है, तो ये कहाँ पर मिलेगा जाके, इस तरीके से यहाँ मिल जाएगा, जो क्या हो गया एक्स टू वाई टू हो गया, एक्स टू वाई टू हो गया। तो इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस चाहिए मुझे, इसकी दूरी चाहिए, जे वाला ये कितनी निकल के आएगी, इसको समझना है। तो फॉर्मूला तो ये है, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे उसको देखते हैं अभी, देखिए कैसे बना है ये फॉर्मूला, उसको समझते हैं। एक्स वन आपने यहाँ से यहाँ तक देखा, अच्छा जी नहीं है जी, दो बार हो गया है, वही आएगा वहीं पे। ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज में कौन सी थ्योरम काम करती है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण जी 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पर ये होगा हाइपोटेनस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, इसको लंब बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर जी हाइपोटेनस होता है, जी परपेंडिकुलर हो जे बेस। तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसी की वैल्यू तो चाहिए हमें, हाइपोटेनस का वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। तो हाइपोटेनस मतलब एच स्क्वायर इक्वल्स टू, इनके मान दिए हैं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मान के चलो, मैंने बोल दिया जी थ्री वाला है, ये थ्री है और ये यहाँ पर टू है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, थ्री माइनस टू मतलब वन आएगी। अभी मैंने पैसे पॉइंट बोला, लेकिन यहाँ एक्स टू है, ये एक्स वन है, तो यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, ये एक्स टू माइनस एक्स वन, इसके इस लाइन की आधार कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। इसी तरीके से जो बाई टू है यहाँ से लेकर यहाँ तक बाई वन है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, बाई टू माइनस बाई वन। अब वही कर दीजिए, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब वर्ग धन आधार वर्ग, तो इनका वर्ग करेंगे, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, तो एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन होल स्क्वायर। अब इस पर स्क्वायर रूट लगाता, तो यहाँ से स्क्वायर लगाता तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा और ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन होल स्क्वायर। देखो ये लिखा है सामने आपके, तो इस तरीके से याद करने वाली बात तो आपको याद रहता ही है वैसे, लेकिन अगर ये आया कहाँ से तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आया निकल के। इतनी बात क्लियर है, चलिए डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में आप समझते हैं। अब एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं इसको, कैसा क्वेश्चन आता है देख लीजिए, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं देखिए। अब इसको अगले एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार कुछ टेक्निकल इशू है, ये है क्वेश्चन, आके नहीं रहा इसमें जी पूरा, चलिए देखते हैं जी, आ गया। ये क्वेश्चन है, बिंदु P 7.3 तथा बिंदु Q 4.-1 के बीच की दूरी बताइए, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P 7.3 एंड Q 4.-1, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो आप ग्राफ बना के पूरा ऐसे ही बना सकते हो, इस बिंदु को प्लॉट करना, उस पर इस बिंदु को प्लॉट करना, डिस्टेंस लगा के पाइथागोरस थ्योरम से वैसे भी कर सकते हैं, वरना इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास फॉर्मूला होता है, क्या डिस्टेंस हो जाएगी P और Q के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, P और Q के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी क्या, पी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है जी, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। देखिए ये तो हो जाएंगे इसमें एक्स वन बाई वन और ये हो जाएंगे इसमें एक्स टू बाई टू। तो अभी फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स टू माइनस एक्स वन तो फोर माइनस सेवन होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू कितना है माइनस का वन और बाई वन कितना है माइनस का थ्री, वो सॉरी प्लस का थ्री, तो माइनस का वन और बीच में माइनस आता है तो माइनस थ्री इसका होल स्क्वायर। ये आ जाएगा डिस्टेंस, देखिए कितना निकल के आ रही है इधर, इसमें
फोर में से सेवन माइनस होएंगे, मतलब माइनस का थ्री बचेगा, माइनस का थ्री स्क्वायर करेंगे तो प्लस का नाइन हो जाएगा। प्लस वन माइनस थ्री माइनस फोर होगा, माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिक्सटीन हो जाएगा। तो सिक्सटीन नाइन कितना हो गया जी, 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, फाइव। ये प्लस माइनस फाइव होता है क्या, डिस्टेंस माइनस में हो सकती है, दूरी माइनस में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, इसलिए क्या आंसर आ गया, पाँच आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो अभी फॉर्मूला बताया था उसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है। मूल बिंदु से दूरी, जैसे अभी मैंने दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस बताई थी, उसी तरीके से अगर मूल बिंदु से दूरी, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी है, ओरिजिन से डिस्टेंस कोई भी पॉइंट दे दिया, पी एक्स कॉमा वाई, टू कॉमा थ्री, फाइव कॉमा सिक्स, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो मूल बिंदु से दूरी पूछी है, तो एक्स कॉमा वाई की ओरिजिन क्या क्या होता है आपका, जीरो कॉमा जीरो, मूल बिंदु को ओ मान लिया हमने, तो जीरो कॉमा जीरो होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो एक्स वन वाई वन का काम करेगा ये, और एक्स टू वाई टू का काम करेगा ये। तो इसमें से इसको घटा दिया तो एक्स जीरो घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मूल बिंदु से डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, पी ओ इक्वल टू जे आ जाएगा। ऐसे कोई क्वेश्चन दे दूं मैं, एक पी पॉइंट दे दिया मैंने टू कॉमा थ्री, और इसकी बोल दी कि ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर प्लॉट होगा कि स्थित होगा ये। तो देखिए रख दीजिए जी, मूल बिंदु से दूरी पूछी है, पी ओ बोल दें या फिर ओ पी बोल दें, क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर करना है डायरेक्ट क्या, तो इसमें से जीरो माइनस करेंगे तो टू का स्क्वायर फोर ही होगा, इसमें से जीरो माइनस करेंगे तो थ्री का स्क्वायर नाइन होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट थर्टीन। जो भी निकल के आया, कितना निकल के आ गया, डिस्टेंस कितनी आ गई, अंडर रूट थर्टीन। क्लियर है, मूल बिंदु से दूरी निकाल देंगे डायरेक्ट कर देंगे, और दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस मैं आपको बता चुका था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलिए अगला देखिए, अब पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र क्या होता है जी, विभाजन सूत्र देखेंगे इसको। विभाजन सूत्र क्या होता है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला बोल दें या फिर डिवाइड, इस दो तरीके का होता है, एक इंटरनली डिवाइड करते हैं, एक एक्सटर्नली। जैसे मैंने आपको एक समझाई देता हूँ जी, दे दिया एक पॉइंट पी है जी, ये क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तो जी पी हो गया, जे हो गया क्यू। एक तीसरा बिंदु, इसको एक्स वन वाई वन या एक्स टू वाई टू कुछ भी पॉइंट होंगे दिए होंगे, इसको एक तीसरा बिंदु आर किस रेशियो में डिवाइड करता है, आर इसको इंटरनली डिवाइड करता है तो अंदर आर आ जाएगा। इसको बोल दिया मैंने एम रेशियो, एन में डिवाइड कर रहा है, तो जी तो हो गया इंटरनली डिवाइड। अब एक्सटर्नली डिवाइड क्या होता है, बाह्य विभाजक क्या होता है, बाह्य विभाजन। तो देखिए दो बिंदु है पी कॉमा क्यू, इसको एक आर है बाह्य विभाज करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो बिंदु कहाँ आएगा, इधर आएगा बाहर। जी आर है, इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहाँ एम हो जाएगा और यहाँ एन हो जाएगा ये रेशियो, और ये भी रेशियो यहाँ एन हो जाएगा। क्लियर है, इंटरनली डिवाइड का मतलब क्या है, आंतरिक विभाजन का मतलब है कई आर बिंदु है जो बीच में रह के डिवाइड करेगा और ये बाहर रह के एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, नाम से ही क्लियर है उसका, एक्सटर्नली मतलब बाहर, बाहर बिंदु होगा जो विभाजक बिंदु होगा वो कहाँ होगा, वार होगा। इसमें विभाजक बिंदु होगा वो क्या होगा, अंदर बीच में होगा बस। तो देखिए आगे देखते हैं इसको, अब इंटरनली डिवाइड कैसे क्या होता है, इसका कंसेप्ट कैसे समझेंगे। जैसे कि कोई भी एक लाइन थी पी कॉमा क्यू, पी और बी दो पॉइंट हैं, एक्स वन बाई वन इसके पॉइंट दे दिए, एक्स टू बाई टू इसके पॉइंट दे दिए, एक बिंदु आर है इसके मैंने एक्स वाई बोल दिए, जे किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो बताना है, मतलब एम रेशियो वन में आपको डिवाइड करने के लिए दिया गया, टू रेशियो थ्री बोल दिया, फोर रेशियो फाइव बोल दिया, कुछ भी बोल सकता है कि इस रेशियो में इसको डिवाइड करना है, तो इसके वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके निर्देशांक पूछे हैं कि आर के निर्देशांक क्या होंगे, तो कैसे निकालते हैं आर का निर्देशांक, कैसे निकालते हैं, विभाजक बिंदु के निर्देशांक इंटरनली डिवाइड करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, देखिए हमें एक्स निकालना है, तो एक्स कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। एक्स निकालने के लिए देखिए क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एम जे इधर जो भी पॉइंट होगा, टू रेशियो थ्री होगा, टू कॉमा इसको लेंगे इसके साथ और इसको लेंगे इसके साथ, तो एम एक्स टू प्लस
एन एक्स वन अपोन में एम प्लस वन, एम प्लस एन हो जाएगा। इसी तरीके से बाई निकालेंगे तो एम को लेंगे बाई टू के साथ, एन को लेंगे बाई वन के साथ, एम बाई टू प्लस एन बाई, सॉरी ये एन बाई वन है, यहाँ एम बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये विभाजक बिंदु के जो भी कैलकुलेट करके सॉल्व करके आ जाएंगे उसके निर्देशांक निकल के आ जाएंगे। हाँ, अगर इसमें बोलता है इंटरनली डिवाइड होगा, एक्सटर्नली डिवाइड बोलता है, बाह्य विभाजक पूछा है कि जब आर वाला बिंदु इधर दे दिया होता, इधर दे दिया होता मतलब, और बोला होता इस रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसके पॉइंट कैसे निकलेंगे, उसके निर्देशांक कैसे निकलेंगे। हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, क्या करना है, प्लस की जगह पे जहाँ जहाँ प्लस लगा है उनकी जगह माइनस लगा देंगे बस, और बाकी सब कुछ यही होता है। बाह्य विभाजक बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, बस प्लस की जगह हमें माइनस लगाना है। कोई दिक्कत है किसी को, अभी एग्जांपल से समझेंगे, दोनों को समझेंगे, अंतर विभाजक और बाह्य विभाजक दोनों समझ रहे हैं पहले, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। देखिए अब अगला देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। अच्छा जी, स्लोप आ गई, अभी इसका बाह्य विभाजक के निर्देशांक नहीं आए थे, एक मिनट देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ यहीं पर। जैसे कोई लाइन है पी क्यू, पी और क्यू एक लाइन दी थी, इसके पॉइंट दे दिए 2.3, इसके दे दिए 3.4, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब जो बोल दिया कि ये बिंदु है, इसको 2:3 में ही बोल दिया मैंने, 2:3 में इसको डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है, कौन सा बिंदु, आर, जो आर पॉइंट है इसको 2:3 में डिवाइड करता है, तो उसके निर्देशांक बताइए, उसके कोऑर्डिनेट बताइए क्या होंगे। आर के निर्देशांक, मैंने इसको एक्स मान लिया, एक एक्स को इसको बाई मान लिया, एक्स और बाई इसके मान लिए मैंने, पता नहीं है अभी, तो देखिए अभी कैसे करेंगे। एम की जगह काम कौन करेगा, 2 करेगा, एन की जगह काम कौन करेगा, 3 करेगा, इसमें पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू निकालना है तो कैसे आएगी, देखिए एक्स इक्वल टू आएगा, एम की जगह 2 रखना है, एम एक्स टू, एक्स टू की जगह क्या, ये एक्स वन बाई वन, ये एक्स टू बाई टू, एक्स टू की जगह आ जाएगा 3 प्लस एन एक्स वन, एन की जगह कितना है 3, एक्स वन की जगह कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2+3 एम प्लस एन, तो जी तो आ जाएंगे एक्स के ऑर्डिनेट, यहाँ से देखो क्या निकल के आ गया, ये 3 × 6+6 अपॉन 5, तो जी आ जाएगा 12/5, ये तो किसके आ गया, एक्स वाला पॉइंट आ गया। इसी तरीके से वाई वाला पॉइंट निकालेंगे, तो वाई वाले पॉइंट को देखते हैं, वाई वाला कैसे निकालेंगे, वाई इक्वल टू जी आ जाएगा एम इंटू वाई टू, एम इंटू बाई टू, तो 2 × 2 कितना है, जे बाई एक्स वन बाई वन, जे एक्स टू बाई टू, तो बाई टू कितना है 4, तो 2 × 4 प्लस एन इंटू वाई वन, 3 × 3, वाई वन की वैल्यू 3 है, अपॉन 2+3, तो जो आ जाएगा 4×2 = 8, 3×3 = 9 और 2 × 3 = 5, तो 17/5, जो किसके पॉइंट आ गया, बाई की वैल्यू आ गई, जे आ तो आ गई कोटी, सॉरी जे आ गया भुज, जे आ गई कोटी, एक्स और बाई दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। कुछ भी पूछे आप ऐसे इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी को, जैसे कोई पॉइंट और अलग दे दें पॉइंट, कुछ भी दे सकता है। अभी मैं इसको एक्सटर्नली डिवाइड करके भी आपको समझाता हूँ, तो देखिए जो हो गया आपका क्लियर है, कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट लेना है जो ले लीजिए। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्सटर्नली डिवाइड करके एक और समझा देता हूँ, मैं इसी को समझाता हूँ एक्सटर्नली से, चलिए एक्सटर्नली से देखते हैं इसको, एक्सटर्नली क्या होगा। चलिए एक्सटर्नली देखेंगे, ये P था और ये Q था, इसके निर्देशांक क्या थे, 2.3 थे, इसके निर्देशांक क्या थे, 3.4 थे। अब एक R पॉइंट है,
एक आर बिंदु है, इसको बाह्य विभाजित करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो एक्सटर्नली मतलब इधर आ जाएगा आर वाला पॉइंट। इसको बोल दिया कि 2:3:2 में बोल दिया, या 2:3 कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पे 3:2 में बोल दिया। इसको लाइन बढ़ा दूंगा मैं तो 2:3 हो जाएगा। चलो वही लेना चाहो तो ले सकते हो इसको, 3:2, 2:3 कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2:3 कर लो। अभी आप बोलोगे कि अभी तो बोल रहे वही कराएंगे, तो देखिए 2:3 करते हैं। इसको बाय विभाज कर रहा है तो 2:3 कर लिया। अब देखिए बाय विभाजक के निर्देशांक इसके पूछे हैं एक्स कॉमा वाई मान लिए हमने, तो इसको निकालिए एक्स का मान कितना आएगा, m x2 2:3 माइनस कर देंगे, बस प्लस की जगह माइनस करेंगे, m x2 n x1, तो 3:2 अपॉन 2+3 m माइनस n, सॉरी m माइनस n करेंगे इसको, m माइनस n। लेकिन उसको कोई करो या ना करो, माइनस करो प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर माइनस ओके के 6 - 6 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 0 आ गई। एक्स वाला ऑर्डिनेट कितना आ गया, 0 आ गया। अब बाई की वैल्यू निकालेंगे तो निकाल दीजिए, बाई इक्वल टू कितना आ रहा है, बाई इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्स m x m/2, m की जगह 2 है, y 2 की जगह कितना है 4, माइनस n y1 3:3 3 × 3 अपॉन 2 - 3। तो ये क्या बन जाएगा, 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9, माइनस अपॉन 1, माइनस के बना जाएगा, तो -1 अपॉन -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या इसका वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ये विभाजक बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0:1। ये आर का पॉइंट आ गया, ये वाला क्लियर है। कुछ भी रखना है आपको, बाह्य विभाजक दिया है तो प्लस की जगह माइनस लगाना है, अंतः विभाजक दिया है आंतरिक विभाजन करता है, इंटरनली डिवाइड करता है तो प्लस रहेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो माइनस रहेगा, बस इतना चेंजेस है। और कुछ भी चेंज नहीं, आपको बनाने नहीं, कुछ नहीं करना, आपके पास पॉइंट दिए रहेंगे कि लाइन नहीं बनानी पड़ेगी, कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट दिए रहेंगे, बोलेगा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो माइनस लगा के निकाल दो, इंटरनली डिवाइड करके बोला है तो प्लस लगा के बना दो। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए, जो भी लेना है देख लीजिए। अब आगे देखते हैं, हाँ अब पढ़ते हैं इसको, स्लोप को समझते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, रेखा है कोई भी, उसकी प्रवणता या ढलान बोलते हैं, स्लोप बोलेंगे तो उसको ढलान भी बोलते हैं और प्रवणता भी बोलते हैं। जैसे कि एक लाइन की इक्वेशन है, इसकी जो स्लोप कितनी है इसका पूछा है कि इसकी ढलान क्या है, प्रवणता क्या है इसकी, इसी को बोलते हैं। ढलान बोलें या प्रवणता बोलें एक ही बात है। कोई दिक्कत यहाँ तक इसमें कुछ समझा ही नहीं, अभी समझते हैं। देखिए वो एक x1 पॉइंट ले लिया, एक x2 इसमें ले सकते हैं, तो x1 / 1 जो हो जाएगा, ये x2 / 2 हो जाएगा। तो एक रेखा दी है, ये तो लिवाली हो गई, लेकिन उसमें आपके पास डायरेक्ट पॉइंट दिए जाएंगे कि दो पॉइंट दिए हैं, x1 / 1 एक x2 / 2, तो उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं। ये तो स्लोप को मैंने समझाया है इसमें, लेकिन निकालने वाला कंसेप्ट आपका होता है डायरेक्ट स्लोप, या फिर इसको tan θ भी बोलते हैं, और इसको एम प्रवणता बोलते हैं, प्रवणता को एम से डिनोट भी किया जाता है। ढलान भी बोलेगा तब भी आपको यही लगाना है, ढलान या स्लोप या प्रवणता या tan θ, किसी की भी इन तीनों में से, चारों में से किसी की भी वैल्यू पूछे आपको क्या लगाना है। अगर दो पॉइंट दिए हैं तो एक x1 / 1, दूसरा पॉइंट दिया है q x2 / 2, तो उनकी स्लोप डायरेक्ट निकलती है क्या, y2 - y1 / x2 - x1। निकाल सकते हो स्लोप, किसी की भी स्लोप निकालनी है तो निकाल सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है, मैंने दो पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट P है 2:3, एक पॉइंट Q है -4:3,
इन दोनों, ये दो पॉइंटों का, दो पॉइंट हैं, दो रेखाएं हैं, दो पॉइंटों से एक रेखा बनेगी मिलकर दोनों पॉइंट बिंदुओं से, उसकी ढलान कितनी है, स्लोप की है, प्रवणता क्या है, तो आपको डायरेक्ट एम इक्वल्स टू या फिर स्लोप इक्वल्स टू या टेन थीटा इक्वल्स टू या प्रवणता इक्वल्स टू क्या लगाना है, ये कंसेप्ट लगाना है, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। बाई टू का मान कितना है, एक्स वन बाई वन जे है, एक्स टू बाई टू जे है, तो बाई टू का मान थ्री और बाई वन का मान थ्री, बाई टू का मान भी थ्री है, बाई वन का मान भी थ्री है, थ्री माइनस थ्री तो क्या हो जाएगा जी, थ्री माइनस थ्री अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, माइनस के फोर और माइनस टू, लेकिन ऊपर ही जीरो बन गया, तो जीरो में किसी भी संख्या से भाग दो क्या आता है, जीरो ही आता है, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब कोई ढलान होएगी नहीं, ऐसे होएगी ये रेखा सीधी एक तरीके से स्ट्रेट लाइन होएगी, एक्स अक्ष के समांतर बनेगी, आप इसको प्लॉट करके इस पे बनाओगे भी ना पॉइंटों को, तो ऐसी ही रेखा बनेगी, जो एक्स है इसी के अनुदेश देखते हैं स्लोप कितना हो रहा है, तो ये एक्स है तो ये रेखा कहीं पर भी बनेगी तो इस तरीके से रेखा बन जाएगी ये वाली, तो स्लोप इसमें आ रही है क्या, कुछ भी ढलान आ रही है क्या, नहीं आ रही, क्योंकि जीरो निकल के आ गई यहाँ पर, अगर कुछ निकल रही होती तो थोड़ी ढलान हो जाती, पॉइंट अलग होते, तो क्लियर है इतनी बात। चलिए, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, अधिक इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके, क्योंकि अभी CVT 2 होने वाला है, जैसे अभी रिजल्ट आने वाला है कुछ दिनों में, उसके बाद संभावना है कि अक्टूबर मंथ में CVT 2 एग्ज़ाम हो, अगर अक्टूबर में CVT 2 नहीं होता तो ग्रुप डी होना है, दोनों में से एक एग्ज़ाम तो होना है, उसमें भी ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और CVT 2 तो है ही इम्पोर्टेंट उसके लिए, तो देखिए अब अगला देखते हैं। हाँ, अगर लाइन की इक्वेशन दी है, कोई भी लाइन की इक्वेशन दे दी, लाइन की बेसिक इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अब इसमें स्लोप पूछ लिया आपसे कि इसकी स्लोप क्या होगी, अभी तो आप बोलोगे कि हमें तो अभी पॉइंट दिए होते, दो पॉइंट दिए होते तो स्लोप हम आसानी से निकाल दे सकते थे, कैसे, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करके, लेकिन अगर ये लाइन की इक्वेशन दी है तो फिर स्लोप कैसे निकालेंगे, तो लाइन की इक्वेशन देने पर उसमें स्लोप कैसे निकालते हैं उस बात को समझते हैं। देखिए, जैसे कि जे इक्वेशन दे दी मैंने, कोई भी दे सकता है, 2x+3y+4=0, कुछ भी बोल दिया, लाइन की इक्वेशन कुछ भी आ सकती है जी दे दी, और भी कोई भी लाइन की इक्वेशन दे सकते हैं, इसकी स्लोप कितनी होगी, ढलान कितनी होगी, एक लाइन है उस पर इसको अभी तो बना नहीं सकते जब तक दूसरी लाइन नहीं दी जाए, तो इसको स्लोप निकालने के लिए क्या होता है, देखिए इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने के लिए लाइन का, उसको आपको याद रखना है, इससे कंपेरिजन कराना है, जो होता है y=mx+c, y=mx+c, इससे कंपैरिजन कराना है और अपनी स्लोप, m क्या है यहाँ पर, स्लोप ढलान या प्रवणता जो कुछ भी है, m ही तो है वो, तो बस m का इस वाली इक्वेशन जो कुछ भी दी होगी इस वाले फॉर्म में बनाना है, तो y को हमें फ्री करना है, तो पहले by=c इधर आ जाएगा, ax भी इधर आएगा, तो माइनस के ax हो जाएगा और ये माइनस के सी हो जाएगा, तो वाई को फ्री करिए यहाँ से, y=2 क्या आ जाएगा, बी का डिवाइड लगेगा, तो माइनस के ए अपॉन वी इंटू एक्स माइनस के सी अपॉन बी, इसके भी बटे आ जाएगा बी, कोई दिक्कत है, अब बताइए एम की वैल्यू कितनी आ गई, m बराबर इससे कंपैरिजन करिए, इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे तो m की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, m की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है, x का कोफिशियंट यहाँ पे कितना है, माइनस के अपॉन बी, यहाँ पर x का कोफिशियंट कितना है m, तो m=2 जी निकल के आ गई माइनस के ए अपॉन बी, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन की स्लोप, मतलब लाइन की इक्वेशन दी है उसकी स्लोप पूछी जाए तो इस तरीके से कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं, या इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बना के लिखें, लेकिन आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, लाइन की कोई भी इक्वेशन दी है आप उसको तुरंत इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है कि लाइन की इक्वेशन दी है कोई भी तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है m=2 क्या होगा, देख लीजिए इसको नोट करना चाहो आप कर सकते हो, माइनस के कोफिशियंट ऑफ एक्स या फिर एक्स का गुणांक, कॉपी से इसको इधर लिखते हैं, चलो इसको मिटा के अभी लिखते हैं,
अभी देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे कर सकते हो आप, इसको इसको कोई सिक्सटीन शॉट लेना है क्या, निकालने के वाला मेथड तो ये हो गया, मैं इसको निकाल के बताऊंगा अभी इस इक्वेशन का, यहाँ से निकाल सकते हो। क्लियर है क्या इतना? अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला इसका मैं बता देता हूँ क्या होता है। माइनस के अपॉन बी आपको याद रहेगी, तो देखिए क्या होगा इधर समझें। अब डायरेक्ट फॉर्मूला होता है m निकालने का, लाइन की इक्वेशन दी हो तो m इक्वल्स टू माइनस कोफिशियंट ऑफ x मतलब x का कोफिशियंट उस माइनस के साथ में लेना है उसको, अपॉन कोफिशियंट ऑफ y, बस जी हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ y, कोफिशियंट ऑफ मतलब एक्स का गुणांक अपॉन माइनस इंटू एक्स का गुणांक अपॉन गुणांक ऑफ वाई मतलब वाई का गुणांक। किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए इससे मिलाइए कोफिशियंट और एक्स कितना था, एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर ए, माइनस का चिन्ह हमें लगाना ही लगाना है तो माइनस लगा दिया, एक्स का गुणांक क्या था ए था, अपॉन में वाई का गुणांक कितना है यहाँ पर बी, तो माइनस के ए अपॉन बी, देखिए जी निकल के आ रहा था अभी कंपैरिजन करके निकाली थी तो बिल्कुल जी निकल रहा था, तो आपको कंपैरिजन नहीं करो तो डायरेक्ट ये याद रखना पड़ेगा। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं ये वाली याद है तो फिर आप आसानी से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है उसको, देखो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमें इसकी इसका स्लोप चाहिए, इस वाली इक्वेशन का स्लोप चाहिए हमें, तो देखिए इसका स्लोप चाहिए क्या आएगा, इसकी ढाल प्रवणता या स्लोप कुछ भी बोलें कितना आएगा, तो m इक्वल्स टू माइनस इंटू एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक कितना है टू, इंटू बाई का गुणांक कितना है थ्री, तो माइनस के टू अपॉन थ्री इसकी स्लोप आ गई, इसमें कोई दिक्कत किसी को, माइनस के टू अपॉन थ्री निकल आए। इसलिए इसी तरीके से इजीली आप आसानी से किसी का भी निकाल सकते हैं, स्लोप निकालनी हो लाइन की पॉइंट की निकालनी हो स्लोप तो कैसे निकालते हैं, m इक्वल्स टू क्या होता है बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, या फिर इसकी निकालनी हो लाइन दी हो उसकी स्लोप निकालनी है तो माइनस कोपिस इंटू कोपिसेंट ऑफ एक्स अपॉन कोपिसेंट ऑफ बाई, ये आ गई अपनी स्लोप, या फिर इससे कंपैरिजन करके निकालो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जैसे कि मैंने अभी निकाली थी m की वैल्यू, m बराबर टेन थीटा भी होता है, वो मैं अब शुरू में लिख ही चुका कि टेन थीटा को भी स्लोप बोलते हैं, टेन टेंजेंट या फिर ढलान उसको ही बोला जाता है। तो बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में उसको करते हैं, फिर आपको मैं सब कुछ मिटा देता हूँ इसे अभी, तो फिर आपको बनाना है। अभी मैं सब कुछ मिटा देता हूँ यहाँ, फिर आपको बनाना है याद है कि नहीं। चलिए अब मैं इक्वेशन दे रहा हूँ आपके लिए, आपकी इक्वेशन है 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो, इसकी स्लोप बताइए जल्दी से क्या होगी, 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो, इसकी स्लोप जल्दी से बता दीजिए क्या आएगी निकल के। इसकी स्लोप अभी मैंने बताया था स्लोप m होती है, तो इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 4, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 2, तो 2 2 जा 4, तो माइनस की 2 निकल के आ गई, इसकी स्लोप कितनी आ गई माइनस 2। बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी को समस्या हो निकाल सकते हैं, कैसी भी लाइन दे दी जाए हमें माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बाई, एक्स एक्स का गुणांक अपॉन बाई का गुणांक और आगे माइनस लगाना है, बस इतनी बात आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, देखो कितने लोग कर पाते हैं। मैंने बोल दिया क्वेश्चन माइनस के 3x प्लस 9y प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका सॉरी सी कीजिए मैंने 8 लिख दिया, लो कुछ भी लिख दिया, इसकी स्लोप बताना जल्दी से कितनी आएगी, स्लोप आ रही निकल के। देखो मैंने क्या बताया था m इक्वल्स टू क्या होता है,
मैंने आपको बताया था एम इक्वल्स टू कोफिशियंट ऑफ एक्स, मतलब माइनस लगा के आगे एक्स का गुणांक, तो माइनस लगा दिया। अब एक्स का गुणांक कितना है, -3 है इसमें, तो -3 आ जाएगा। अपॉन बाई का गुणांक लेना है, कोफिशियंट ऑफ बाई कितना है, 9 है, तो अपॉन में 9 आ जाएगा। तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 अपॉन 9, 3 3 जा 9, तो 1 अपॉन 3। इसकी स्लोप कितनी आ गई, 1 अपॉन 3। टेन में 1 अपॉन 3 किसकी वैल्यू होती है, तो अब एंगल भी निकाल सकते हैं, अगर कभी कभी एंगल पूछ लेता है कितने डिग्री का एंगल बनेगा लाइन के बीच में, उसी को तो स्लोप बोल रहे थे। अगर मैं इसको टेन थीटा के इक्वल्स करूँ, एम इक्वल टू टेन थीटा तो हो रहा था, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3 टेन में कितने की वैल्यू होती है, आप देख सकते हैं इसके कंपैरिजन करके, टेन 30 की होती है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। टेन बाय रूट 3 होती है, तो टेन 60 की होती है, थीटा इक्वल टू 60 आ जाता। जैसा भी है आप एंगल भी निकाल सकते हैं, उसी को तो स्लोप बोल रहे हैं ढलान। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ आपको, इसका आपको बनाना है वो। -4x + 12y + 8 = 0, इसकी आपको स्लोप निकालनी है। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं, कमेंट में आंसर लिखना है आपको। ये आपका अगला वीडियो कल करेंगे, इसका पार्ट 3 लेके आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू।